प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस अध्याय चार के अंतर्गत, जिसमें हम अहिंसक के व्यक्तित्व की बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय का जो टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे हैं, अहिंसक व्यक्तित्व है। मेरे ख्याल से हमने व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हमें देखने को मिलती है। ऐसे कौन कौन से कारक तत्व है जो हमें प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को, और एक अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के लिए या व्यक्तित्व विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हमने पढ़ा होगा, देखा होगा, और मेरे ख्याल से जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी है वो तो व्यक्तित्व के बारे में और अच्छे ढंग से और विस्तृत रूप से इसके बारे में जानते हैं, पर जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के विद्यार्थी है उन्होंने भी साइकोलॉजी में शायद यह चीज नहीं पढ़ी होगी कि क्या व्यक्तित्व में भी कोई अहिंसक व्यक्तित्व हो सकता है क्या, या व्यक्तित्व से ऐसा जुड़ा हुआ कोई फैक्टर जिसकी हम बात करें अहिंसक व्यक्तित्व की। पर जीवन विज्ञान और परीक्षा ध्यान के अंतर्गत हम इस चीज को आज पढ़ेंगे कि क्या होता है अहिंसक व्यक्तित्व, और उस अहिंसक व्यक्तित्व को बनाने के लिए, उस व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अहिंसा के बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है और हमने जाना है, थोड़ा सा बात यहां पर अहिंसक व्यक्तित्व की आ रही है, इसलिए हम व्यक्तित्व के भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण के ऊपर थोड़ी सी हम नजर जरूर डालेंगे कि भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है और पाश्चात्य का मतलब ही हो गया जहां का मनोविज्ञान अभी 200-250 साल पुराना है, वो व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं। हालांकि यदि हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो सीधी सी हमारी बात सामने आती है कि भाई जो पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी जो शब्द बना है, परसोना, परसोना से मिलके बना है। परसोना किसको कहते हैं, परसोना यानी कि हमारा मुखौटा, जो मास्क, छोटे छोटे बच्चे भी जो मास्क लगाते हैं उसी से, उस परसोना से पर्सनालिटी शब्द बना है। और यदि हम हमारे इस भारतीय दृष्टिकोण के ऊपर नजर डालें जिसको हम कहते हैं व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस तत्व, अर्थात उस व्यक्ति या मानव के अंदर पाए जाने वाले जो उसके विशेष या विशिष्ट गुण होते हैं, जो उसके आंतरिक गुण होते हैं, जो उसके संस्कार होते हैं, वो उसका व्यक्तित्व होता है। और वास्तव में व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के गुणों को पूजा जाता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ये सभी प्रकार के अच्छे गुण होते हैं उसका हम अच्छा व्यक्तित्व मानते हैं। क्योंकि हमारे दर्शन ने, हमारे भारतीय दृष्टिकोण ने जिस व्यक्तित्व की बात की है और जिस अंतरात्मा की बात की है जो व्यक्तित्व हमारा अंदर से प्रस्फुटित होने वाला है, और हम जिस अहिंसा की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने जाना कि उस अहिंसा के बीज भी हमारे अंदर ही प्रस्फुटित हो रहे हैं। भारतीय दर्शन जो सबसे प्राचीनतम दर्शन के रूप में या संस्कृति के रूप में जिसको आज हम जान रहे हैं, अनेक ऐसे भारतीय विद्वान, ऋषि मुनि या मनीषी हुए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को अपने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। यदि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए, यदि हम वेदों की बात करें,
वेदों में क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात मेरे अंदर वो सभी प्रकार की क्षमताएं, मेरे अंदर वो सभी प्रकार की योग्यताएं हैं जो एक ब्रह्म में होती है। मैं उस पद को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि भारतीय व्यक्तित्व के अंतर्गत जो मूल में है, जो केंद्र में है, वो है आत्मा। आत्मा का परिष्कार करना, आत्मा का साक्षात्कार करना, अपने कर्मों का निर्मलीकरण करते हुए, उनका क्षय करते हुए उस मोक्ष को प्राप्त करना है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन में जिस इस आत्मा की बात कही गई है, जिस इस कर्म की बात कही गई है, इसी के साथ में एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन या उसका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, वह अपने आप उसमें जुड़ जाता है। क्योंकि उस परम पद को प्राप्त करने के लिए हमें हर एक उस रास्ते से या उस पथ से हमें गुजरना पड़ेगा जिसमें हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा भाव है और हमारी चेतना है। और जब इनके विकास की बात आती है, जब इनके विकास की बात आती है, तब वो सभी पहलू ध्यान में रखे जाते हैं कि किस प्रकार से एक उत्कृष्ट जीवन जिया जा सकता है या अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। महर्षि अरविंद, जिसका सभी ने नाम सुना होगा, महर्षि अरविंद ने सर्वांगपूर्ण व्यक्तित्व की बात कही है और उस सर्वांगपूर्ण व्यक्तित्व के लिए उन्होंने चित्त पुरुष शब्द की बात कही है। यदि हम अरविंद के व्यक्तित्व की बात करें तो उन्होंने व्यक्तित्व के 5 सोपान बताए हैं। और जो व्यक्तित्व के 5 सोपान है, उनमें उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम हमारा भौतिक सोपान, दूसरा उन्होंने कहा है प्राणिक सोपान, फिर हमारा मानसिक सोपान, फिर आध्यात्मिक सोपान, और उसके बाद में उन्होंने उस विराट चेतना के विस्तार की बात कही है, हमारा चेत्य सोपान। इन सभी को पार करते हुए उस चेत्य सोपान के चेत्य सोपान तक पहुंचने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से उस चेतना का अधिक से अधिक विस्तार किया जा सके, उसका विस्तार जरूरी है। इसी प्रकार यदि हमें भारत के हिंदुस्तान के घर घर में पूजे जाने वाले ग्रंथ, यदि हम गीता की बात करें, गीता ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग के ऊपर जोर दिया है और 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात कही है। 3 प्रकार का उन्होंने जो व्यक्तित्व कहा है उसके अंतर्गत आता है उसका एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। जिस प्रकार के व्यक्ति के अंदर गुण होगा उसी प्रकार का यह उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने उससे भी आगे बढ़ करके गुणातीत व्यक्तित्व की बात कही है। तो गुणातीत व्यक्तित्व क्या है, उसके उन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं कि गुणातीत व्यक्तित्व होने का अर्थ है कि इस प्रकार का व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है। मिट्टी और सोना दोनों उसके लिए बराबर है, दोनों का मूल्य समान है उसके लिए। लोभ नाम की कोई चीज नहीं होती उसके अंदर। प्रिय और अप्रिय पदार्थों या प्राणियों को समान समझता है, अर्थात किसी के प्रति राग और द्वेष उसके मन में नहीं होता है। निंदा और प्रशंसा दोनों को वह समान रूप से ग्रहण करता है। यह नहीं कि निंदा में वह एग्रेसिव हो जाता है और प्रशंसा के अंदर फूला नहीं समाता है। मान और अपमान दोनों के अंदर भी सम स्थिति उसकी बनी रहती है। मित्र और शत्रु दोनों के प्रति जो उसकी दृष्टि होती है वो समान होती है। और समस्त कर्मों को करते हुए वर्तमान के भाव से मुक्त रहता है।
इसलिए गीता में कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इस प्रकार जो गुणातीत व्यक्तित्व की बात कही गई है वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर चलना, इसका पालन करना कठिन कार्य है, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में यहां के लोग, यहां के ऋषि मुनि इस परंपरा के ऊपर चले हैं और उन्होंने उदाहरण पेश किया है, इसलिए उन्होंने ही यह बात कही है अहिंसक व्यक्तित्व की। इसी प्रकार हम यदि हमारे पाश्चात्य मनोविज्ञान के ऊपर देखें, पाश्चात्य मनोविज्ञान से पहले यदि हम और थोड़ा वर्तमान में बात करें, आचार्य महापर्गी, आचार्य तुलसी, आचार्य महापर्गी जी ने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति का व्यवहार है। यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति का एक तरह से जो दूसरा रूप है वो व्यवहार है, कि हम किस प्रकार से दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं। जैसा कि गीता में कहा कि आपके सामने चाहे आपका दुश्मन है चाहे आपका दोस्त है, दोनों के प्रति समान व्यवहार। किसी भी प्रकार का कोई प्राणी आपके सामने खड़ा है, आपका व्यवहार समान रहेगा। समान व्यवहार, सम व्यवहार, वह अच्छे व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। अब पाश्चात्य दृष्टिकोण के ऊपर यदि हम थोड़ा सा देखें, तो जैसा कि हमने बताया कि पर्सोना से जो यह पर्सनैलिटी शब्द बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, पाश्चात्य जगत के जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं यदि इस शब्द के ऊपर थोड़ा गौर किया जाए तो सर्वप्रथम उन्होंने व्यक्ति के बाह्य ढांचे या आवरण को देख करके और उन्होंने व्यक्तित्व को जाना और पहचाना। हालांकि उन्होंने व्यक्तित्व के बाह्य रूप और आंतरिक रूप या आंतरिक जो हमारे गुण होते हैं जिन्होंने उन्होंने शील गुण दिया है नाम, उन दोनों को मिला करके उन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। फिर भी उन्होंने शरीर की बात कही है, मन की बात कही है, लेकिन वो लोग अध्यात्म के जगत या आत्मा या चित्त जिसकी हम बात करते हैं वहां तक वो नहीं पहुंचे हैं। यदि बहुत महान जो पाश्चात्य साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत दिया था उस मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व को ईद, अहम और पराहम के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से बड़ी ही फेमस परिभाषा है अल्पोर्ट की। अल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा में कहा कि व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। उन पाश्चात्य परिभाषाओं के अंदर देखें तो उन्होंने समायोजन के ऊपर बड़ा जोर दिया है, और जैसा कि अल्पोर्ट की परिभाषा है उन्होंने एक तो व्यक्तित्व को गत्यात्मक माना है, निरंतर इसके अंदर परिवर्तन होता है और विकास हम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा है कि मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक वृत्तियां, यानी कि उन्होंने शरीर को भी इसमें शामिल किया है और मन को भी उन्होंने शामिल किया है, मनो शारीरिक, यानी कि इन दोनों का यह मिला जुला रूप है। और इस शरीर और मन के द्वारा जो वह व्यवहार करता है वातावरण के साथ, उसके साथ में वह अपने समायोजन को स्थापित करता है। तो इस प्रकार यदि हमें भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार देखें तो उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे हैं इस व्यक्तित्व के विकास के लिए। अब हम बात करते हैं अहिंसक व्यक्तित्व के निर्माण में कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों मैंने कहा कि अहिंसक व्यक्तित्व जो शब्द या जो ये आप वाक्य पढ़ रहे हैं यह हमारे भारतीय मनीषियों की देन है, यह हमारे आचार्य महाप्रज्ञा जी की देन है। इसलिए इसमें जिन सहायक तत्वों की हम बात करेंगे वो सारे के सारे वही सहायक तत्व आएंगे जो हमारे मनीषियों ने हमारे दर्शन में हमारे साहित्यों में जोर दिया है और जिनके बारे में कहा है। उनमें जो सबसे पहली बात आती है वह है सत्य। चाहे हमारे सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परिस्थितियों के सामने न झुक करके
मुझे सत्य का पालन करना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और हम सभी जानते हैं इस सत्य के पालन के लिए राजा दशरथ ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसी परंपरा में जो इनके पूर्वज थे राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, जब उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलने का प्रण लिया और आजीवन उन्होंने सत्य का पालन किया और उसके लिए अपना राजपाट, अपने बच्चे और अपनी बीवी तक को उन्होंने छोड़ दिया, वो भी उनके हाथ से सारे के सारे निकल गए, लेकिन उन्होंने सत्य के पथ को कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए जो सत्य का पालन करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और वही व्यक्ति अहिंसा का पालन कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में अहिंसा का होना बहुत जरूरी, सत्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब असत्य भाषण का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले तो अपने ऊपर ही चोट पहुंचती है। मानसिक और शारीरिक रूप से हम स्वयं रुग्ण बनते हैं। और कहीं पर भी हम देख लें, जो असत्य होता है वो शुभकारी नहीं होता है, वो हमेशा अशुभकारी होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो बिंदु आता है वह है अहिंसा। बहुत ही छोटी छोटी बातों का हमें संकल्प लेना है, जैसे कि अणुवर्त के नियम है जिसके अंदर आता है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। छोटे छोटे यदि हम नियमों का पालन करते हैं, यदि हम पतंजलि योग को भी पढ़ें तो पतंजलि योग में भी सबसे पहले इन्हीं यमों की बात कही गई है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी नैतिकता है, हमारे नैतिक मूल्य है, और उस अहिंसा के पथ के ऊपर आगे बढ़ने के लिए यह हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि जो सत्य को अंगीकार कर लेगा निश्चित वो हिंसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि झूठ बोलना ही अपने आप में एक हिंसा है। इसलिए प्रण करें, संकल्प करें और अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ रहें कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, क्योंकि एक जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है, एक व्यभिचारी व्यक्ति न तो वो सत्य का पालन कर सकता है, न वह सदाचारी हो सकता है, हमेशा उसके मन में कपट, छल आदि चलता रहेगा और वो कभी भी अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो अधिकांश जो जीवन होता है वो हिंसा है, शोषण है, तनाव आदि के अंदर ही गुजरता है। और ब्रह्मचर्य यानी कि वह यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपनी वीर्य की रक्षा करता है, वह हमारी शक्ति है और वही शक्ति हमें उसी अहिंसा के पालन करने के लिए हमें आगे बढ़ाती है। ऐसवाद यानी कि किस प्रकार से हम हमारे स्वाद के ऊपर, यानी जो कुछ हम खाते हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। अधिकतर होता क्या है कि हमारी जीभ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और जब तक जीभ पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक न तो मन कंट्रोल में होगा, न शारीरिक स्थिति हमारी कंट्रोल में होगी। और यही स्वाद, विभिन्न प्रकार के स्वाद हमारी हमारे मन को विकृत करते हैं। जैसा कि गीता में कहा, राजसिक व्यक्तित्व है, तो राजसिक खान पान भी होता है, बड़ा अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मन को विकृत करने वाला होता है, देर से पचने वाला होता है, अपच पैदा करता है। और जिस प्रकार का अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा धीरे धीरे मन होता जाएगा। इसलिए उसके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। सहनशीलता, व्यवहार में सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य का विकास होना चाहिए। यदि सहनशीलता नहीं है तो थोड़ी सी बात या थोड़ी सी रुकावट या व्यवधान में हम व्यग्र हो जाएंगे, उग्रता हमारे अंदर आ जाएगी और हिंसा का भाव प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपरिग्रह,
अपरिग्रह यानी कि जितनी आवश्यक है उतना ही हमें क्या करना है, हमारे संसाधनों को हमें सीमित करना है। वर्तमान युग में हिंसा, शोषण, पूंजीवाद, सुविधावादी जीवन शैली या हमारी जो लाइफस्टाइल है, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है वो है परिग्रह। और इस परिग्रह के कारण ही कि जो कुछ भी है, जितना है, ज्यादा से ज्यादा मैं इकट्ठा कर लूं। क्यों भाई, हम क्या साथ में लेके आए थे और कौन आज तक ऐसा पैदा हुआ है जो साथ में लेकर के जाएगा। दूसरे भी बहुत सारे इस सृष्टि मनुष्य के अलावा जितने भी दूसरे प्राणी हैं वो कितना इकट्ठा करते हैं, फिर भी हमसे ज्यादा अच्छे, बिना तनाव के स्वस्थ अपना जीवन जी रहे हैं, उनको अच्छी नींद आती है, बीमार नहीं पड़ते हैं। और हम परिग्रह कर करके जितनी सुख सुविधाएं जुटाते जा रहे हैं उतने ज्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं। एक और बिंदु जो आता है, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता जीवन में बहुत जरूरी है। अपने व्यवहार में यदि हम कोई व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर प्रामाणिकता को लाइए। बिना प्रामाणिकता के हम अपने न तो जीवन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि यदि हम प्रामाणिक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में वह चीज पैदा होती रहेगी जिसको हम छल कपट की, लोभ की या लालच की हम बात कहते हैं। अस्ते, अस्ते का क्या अर्थ हुआ? अस्ते यानी कि चोरी नहीं करना। चोरी भी एक अपराध है, हम सभी जानते हैं। चोरी सभी करते हैं, यहां पर सभी का क्या अर्थ है? छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है, बड़े बच्चे भी शामिल है, युवा भी शामिल है और उससे बड़े भी शामिल है। और कईयों की तो आदत ही ऐसी होती है कि वो क्या करते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं। और कोई भी अच्छी वस्तु जब उनको दिखाई देती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उनका मन कर जाता है कि हम उसको उठा लेते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति बार बार बनती है तब मन में लालच पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। इनसे हमें छुटकारा पाना है, चोरी से हमें बचना है, अस्ते का हमें पालन करना है। जीवन में सादगी का होना बहुत जरूरी है। सादा जीवन उच्च विचार सुनते आए हैं, लोगों को कहते हैं, दीवारों के ऊपर स्कूलों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, पर पालन कितने करते हैं? पालन नहीं करते हैं, उसी से फिर समस्याएं पैदा होती है। शारीरिक श्रम बहुत ही जरूरी है। और जरूरी किस लिए? क्योंकि यदि परिश्रम का अभाव होगा, श्रम का अभाव होगा, तब व्यक्ति बैठे बैठे बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहेगा। और जब व्यक्ति बिना मेहनत के प्राप्त करना चाहता है तब अनैतिकता पैदा होती है, तब लूट पाट, हिंसा, चोरी, डकैती, ये सारी की सारी चीजें पैदा होती है। इसलिए जीवन में शारीरिक श्रम का बहुत महत्व है, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि पूरे दिन मेहनत करके मैंने इतना कमाया है। और उसके बाद में जो कुछ भी हम उपयोग में लेते हैं उसका एक अलग ही आनंद होता है। शाकाहार का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो शाकाहार के लिए ही बना है। और यदि शाकाहार का पालन हम करते हैं तो बहुत सारे पशु जो पक्षी होते हैं उनकी हिंसा से बच सकते हैं। अहिंसक व्यक्तित्व निर्माण के अंतर्गत किस प्रकार से ऐसे कौन कौन सी और बातें हैं हमारे इस शारीरिक दृष्टि से या हमारे आसपास के वातावरण में, जिससे कि हम एक अहिंसक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। रसायन परिवर्तन, पहले भी यह बात बताई जा चुकी है, जब हृदय परिवर्तन की बात आई थी उस समय भी यह चीज बताई गई थी कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रसायन बनते हैं। उत्तेजना पैदा करने वाले भी बनते हैं तो दूसरे उत्तेजना को कम करने वाले भी बनते हैं।
हिंसक प्रवृत्तियों में भाग लेने वाले भी बनते हैं तो अहिंसा के बीज को पैदा करने वाले भी बनते हैं। और इसके लिए इन रसायनों को बदलने के लिए प्रेक्षा ध्यान, योग, प्राणायाम आदि के द्वारा हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं और उनमें परिवर्तन ला करके हम अपने आप को अहिंसक बना सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि तिहाड़ जेल के अंदर प्रथम आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने जब वहां पर उनकी नियुक्ति हुई थी तो उन्होंने ध्यान की विभिन्न पद्धतियों को चला करके और खतरनाक से खतरनाक अपराधियों को उन्होंने बदल दिया था और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ था कि भारतीय ध्यान या योग की इन पद्धतियों के अंदर वो शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। हमारे परिवार की भूमिका, क्योंकि हमारे यहां सबसे पहला जो गुरु होता है, हमारा जो विद्यालय होता है, वो हमारा परिवार होता है। हम बचपन से ही उस परिवार के अंदर बहुत कुछ सीखते हैं, परिवार के उस वातावरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे जो दूसरे परिवार के सदस्य होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उसका प्रभाव जो पड़ता है हमारे बाल मन के ऊपर वह जीवन पर्यंत बना रहता है। केवल बाल मन के ऊपर ही नहीं, हम जब बड़े हो जाते हैं तब भी परिवार के सदस्यों का पूरा योगदान होता है हमारे भावों में और हमारे विचारों में। और हमारे भारतीय परंपरा के अंदर तो जब एक बच्चा पेट में होता है तभी से किस प्रकार से उसका रखरखाव हो उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं, आप जानते हैं महाभारत में कि किस प्रकार से चक्रव्यूह को भेदने का, उसके अंदर जाने का रास्ता सीख लिया गया था। यानी पेट के अंदर ही एक बच्चा यदि किसी बात को सीख लेता है तो क्यों न जब वह पेट के बाहर आता है तो दूसरे परिवार के सदस्यों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अभिमन्यु ऐसा कर सकता है कि पेट के अंदर जब उसकी मां सुन रही थी और उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, तो जब हम बाहर इस वातावरण में रहते हैं तब हमारे ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारी पंचों इंद्रियां काम कर रही होती है। शिक्षा का योगदान, किस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं और इस विद्यालय का कैसा वातावरण है और वहां की जो शिक्षक है वो कैसे है। कहते हैं कि बच्चा तो एक मिट्टी का घड़ा होता है, यह हम यूं कह सकते हो मिट्टी होता है, और शिक्षक उसको किसी भी रूप में ढाल सकता है, किसी भी रूप में ढाल करके उसको पका सकता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है एक शिक्षक का। अर्थ एवं अहिंसक व्यक्तित्व निर्माण, अर्थ भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो अर्थ है या जिस अर्थ के लिए हम पीछे भाग रहे हैं उसकी अपनी सीमाएं होनी चाहिए। समाज के प्रमुख व्यक्ति की भूमिका, यह भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शवादी माने जाते हैं, नैतिक गुणों वाले माने जाते हैं, समाज के सभी लोग जिनको एक समान की दृष्टि से देखते हैं, उन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। या फिर दूसरे ऐसे महापुरुष, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, भगवान महावीर, कृष्ण, बुद्ध, ये ऐसे महापुरुष हुए हैं, ये भी हमारे आदर्शवादी हो सकते हैं कि हमें इनके नियमों का या इनके जीवन की पालना करनी है। और अहिंसक व्यक्तित्व निर्माण एवं राजनीति में भी इनकी खासी आवश्यकता है। और यदि किसी भी देश की राजनीति अहिंसा से परिपूर्ण है तो निश्चित रूप से उस देश में, उस राज्य में राम राज्य लौटाया जा सकता है।
तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, उन चीजों के द्वारा हम हमारे एक अच्छे अहिंसक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। हमें भी इन सभी बातों को पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए अपने जीवन में उतारना है। केवल इतना ही नहीं कि जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान के अंदर हमें एमए करना है और ये सब कुछ देख करके पढ़ करके हमें अच्छे नंबर लाने हैं, नहीं, नंबर तो अच्छे आ जाएंगे लेकिन अच्छे जीवन के लिए इन बातों को भी अपने जीवन के अंदर उतारना है। इन्हीं भावना के साथ